एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे साइबर किल चेन का फर्स्ट फेज चल रहा है, जो है रिकॉन फेज। इसमें हमने अभी तक दो लैब को डिस्कस कर लिया है, जिसमें सबसे पहली लैब में हमने डर्प टूल का यूज़ किया था इनुमरेशन करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन को। सेकंड वीडियो में हमने क्रॉलिंग देखा था कि कैसे हम क्रॉलिंग करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो थर्ड वाला जो हम आज देखेंगे, वो आज हम इनुमरेशन देखेंगे, या आप इसको कह सकते हो कि हम रिकॉन कर रहे हैं एक प्रो एफटीपी सर्विस पे। तो अब आता है प्रो एफटीपीडी क्या होता है। प्रो एफटीपीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोफेशनल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेमन। ये एक ओपन सोर्स एफटीपी सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज्ड होता है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ ये एक, और ये हाईली कॉन्फिगरेबल और एक्सटेंसिबल एफटीपी सर्वर होता है, जो प्रोवाइड करता है हमें एक सिक्योर और एफिशिएंट एक मीडियम ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल्स को ओवर द नेटवर्क। तो ये चीज़ थी, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था प्रो एफटीपीडी का। तो अब एक बार हम अपने लैब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लैब में हमें करना क्या है, गोल क्या है हमारा। तो लैब का डिस्क्रिप्शन में, इन दिस चैलेंज वी विल लुक एट द बेसिक ऑफ प्रो एफटीपी सर्वर रेकनेंस, ठीक है। जो गोल है हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ एफटीपी सर्वर। पहले हमने फाइंड आउट करना है कि वर्जन क्या हुआ है हमारे एफटीपी सर्वर का, ठीक है। हमारे का मीन्स टारगेट का, ठीक है। सेकंड हमें दे रखा है यूज़ द यूज़र नेम डायरेक्टरी डिक्शनरी, यूज़र नेम डिक्शनरी, ठीक है। लिस्ट करना है हमें ऑल फाउंड क्रेडेंशियल्स, ओके, इसको भी देखेंगे अभी। थर्ड है फाइंड द पासवर्ड ऑफ यूज़र सिस एडमिन यूजिंग एनमैप स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें एनमैप स्क्रिप्ट का यूज़ करना है हमने। लास्ट जो है फाइंड 7 फ्लैग्स हिडन ऑन द सर्वर, ओके। इसमें हमें फ्लैग्स को फाइंड आउट करना है, 7 फ्लैग्स हैं, उन सबको हम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ एफटीपी सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। तो ये आईपी एड्रेस .2 वाला मेरा है कॉपी, थर्ड वाला हमारा हो जाएगा टारगेट का। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, वर्जन क्या है। अब एनमैप जब भी हम यूज़ करते हैं और जब भी हमें किसी सर्विस का वर्जन फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक फ्लैग यूज़ करते हैं, जो है हाइफ़न स्मॉल एस कैपिटल वी। बहुत बार मैं अपनी वीडियो पे ये यूज़ कर चुका हूँ। तो हमारा जो कमांड होगा वो nmap हाइफ़न स्मॉल एस कैपिटल वी और टारगेट का आईपी। तो ये कमांड हो गई हमारी, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन पोर्ट मिल जाएगा, जो पोर्ट ओपन है 21, स्टेट इसकी ओपन है, सर्विस कौन सी है एफटीपी है, वर्जन कौन सा है प्रो एफटीपीडी 1.3.5a। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूज़ द यूज़र नेम डिक्शनरी।
अच्छा, हमें पाथ दे रखा है /usr/share/meta-exploit-framework/data/wordlist/common-users.txt एंड पासवर्ड डिक्शनरी /usr/share/meta-exploit-framework-data-wordlist-unix-passwords टू चेक इफ एनी ऑफ दीज क्रीडेंशियल वर्क ऑन द सिस्टम, लिस्ट ऑल फाउंड क्रीडेंशियल्स। ओके, इसको क्लियर करता हूँ पहले मैं। तो इसमें हमें हाइड्रा का यूज़ करना है। हाइड्रा का भी मैं यूज़ बहुत बार कर चुका हूँ। तो जो कमांड इसमें बनेगी वो कमांड मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, हाइड्रा स्पेस। अभी आपको मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगा कमांड का। हाइफन एल स्पेस /usr/share/meta-exploit/share/meta-exploit/meta ओके, मेटा एक्सप्लॉइट हाइफन फ्रेमवर्क आ गया। डाटा था हमारा, डाटा के बाद हमारा वर्ड लिस्ट था, वर्ड लिस्ट के बाद हमारा कॉमन यूजर्स डॉट टी एक्स टी हो गया, ठीक है। हाइफन कैपिटल पी /usr/share/meta-exploit-framework/data-wordlist, ठीक है, वर्ड लिस्ट तक आ गया। अब हमारे पास है यूनिक्स पासवर्ड्स डॉट टी एक्स टी। तो हमने पासवर्ड फाइल भी लोड कर दी यहाँ पर। यहाँ पर अब हम पेस्ट कर देंगे अपना टारगेट का आईपी। ओह सॉरी, टारगेट का आईपी अब फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पर एक डुप्लीकेट टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, आईपी ADDR। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, 2 का 3 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो FTP सर्वर है। अब हमें करना है हाइफन टी करना है, स्पेस 4 करना है, हाइफन FTP प्रोटोकॉल। तो ये हमारी पूरी कमांड हो गई है। अगर जिसने भी मेरी वीडियोस देखी हैं FTP सर्वर की तो उसको समझ में आ गया होगा ये यहाँ पे हम क्यों क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये कमांड जो है ना वो रन करेगी हाइड्रा को विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या हैं जो मैंने यूज़ किए हैं? सबसे पहले क्या है, हाइफन कैपिटल एल, ये स्पेसिफाई करता है पाथ को यूज़र नेम लिस्ट फाइल के, जो हमारी कॉमन हाइफन यूजर्स डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। सेकंड है हमारा हाइफन कैपिटल पी। तो ये आपको समझ ही आ रहा होगा, ये पासवर्ड फाइल को डिनोट कर रही है हाइफन कैपिटल पी जो होता है हमारा। फिर इसके बाद आपको आईपी दिख रहा होगा, वो आईपी एड्रेस है हमारे FTP सर्वर का जो हमारा टारगेट है। उसके बाद आपको हाइफन टी स्पेस 4 दिख रहा होगा, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि यू वांट टू रन द अटैक विथ 4 पैरेलल थ्रेड्स के साथ, ठीक है। 5 होता तो 5 आ जाता है यहाँ पर। तो ये डिनोट कर रहा है बेसिकली थ्रेड्स को। नेक्स्ट जो है वो है FTP, वो पता ही है आपको, प्रोटोकॉल स्पेसिफाई कर रहा है प्रोटोकॉल को, ठीक है। प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है FTP किसके लिए? ब्रूट फोर्स के लिए। हाइड्रा से क्या करते हैं हम? ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, ठीक है। तो ये है पूरे कमांड का डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट इसका मिलता है। वेट करते हैं, स्टार्ट हो गया हमारा हाइड्रा।
सारे सारे यूज़र नेम्स का पासवर्ड हमें मिलना चाहिए। देखो सबसे पहले सिस एडमिन का मिल गया हमें, यूज़र नेम सिस एडमिन है, पासवर्ड इसका 354321 है। सेकंड रूटी, लॉगिन हमारा रूटी है नाम का एक यूज़र, पासवर्ड इसका क्वाट्री है। मतलब रिकॉन से आप क्या क्या कर सकते हो ना, देखो रिकॉन फेस से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा मोटिव यही चीज़ है आपको दिखाना, इसलिए मैं इतनी लैब्स आपको दिखा रहा हूँ इस वाले रिकॉन फेस में। डेमो नाम का यूज़र है एक, उसका पासवर्ड बटरफ्लाई है। नेक्स्ट आया यूज़र ऑडिटर, उसका पासवर्ड चॉकलेट है। एनन पासवर्ड है पर्पल। अभी और फाइंड आउट होगा शायद अभी। एडमिनिस्ट्रेटर का आ गया देखो अब पासवर्ड ट्वीटी। आई थिंक अभी एक और बचा है हमारा, TIAG लॉगिन है हमारा, टिगर इसका पासवर्ड है। ठीक है, तो वन ऑफ वन टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, 7 वैलिड पासवर्ड्स फाउंड। अगर आप 7 वैलिड पासवर्ड फाउंड देख रहे होगे ना, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है लास्ट में, 7 फ्लैग्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब हमें इन्हीं यूज़र्स से फाइंड आउट करने हैं वो 7 फ्लैग्स। ठीक है, तो इस वाले का आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, फाइंड द पासवर्ड ऑफ यूज़र सिस एडमिन यूजिंग nmap स्क्रिप्ट। अब इसको nmap स्क्रिप्ट से हमें बताना है। वैसे आपको सिस एडमिन का ये हुआ पासवर्ड सिस एडमिन का, ठीक है। अब हम nmap स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्लियर कर देते हैं। इसको क्लियर करने से पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि आगे जाके ये हमें यूज़ होगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहीं नीचे ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं जिससे हम आगे जाके इसको यूज़ कर सकें। इस बार में अभी क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन था क्या था, सिस एडमिन का पासवर्ड फाइंड आउट करना है हमने विद द हेल्प ऑफ nmap स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, इको कराना पड़ेगा मेरे को सिस एडमिन एक यूज़र्स में, ये करा दिया, ठीक है। इसको क्लियर कर दूंगा। अब हम nmap यूज़ करते हैं, nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट। पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ कमांड, ठीक है। स्पेस ftp नाम की है, टैब काम नहीं कर रहा इसमें, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है ftp हाइफन ब्रूट, फिर स्पेस हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट। सेकंड स्क्रिप्ट में आर्गुमेंट पास करूँगा हाइफन args स्पेस यूज़र db, ठीक है, इक्वल्स टू स्लैश रूट स्लैश यूज़र्स। उसके अंदर यूज़र्स के अंदर मैंने डाला था ना सिस एडमिन, हाइफन पी, पोर्ट 21 पे है, और जो हमारा टारगेट का आईपी है, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो गई है ये हमारी,
सिस एडमिन, ये है, ये पासवर्ड इसका 654321, वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो अब जो हमने nmap कमांड रन करी थी ना, वो क्या कर रही है, वो एक अटेम्प्ट परफॉर्म कर रही है FTP ब्रूट फोर्स अटैक का। ठीक है, और यूज़ कर रही है FTP ब्रूट NSC स्क्रिप्ट। NSC का मतलब होता है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। ठीक है, और ये टारगेट कर रही है FTP सर्विस को, जो मैंने मेंशन किया था ऑन, मैंने पोर्ट नंबर मेंशन किया था 21, और IP भी मेंशन किया था जो टारगेट का IP एड्रेस था। ठीक है, और ये यूज़ कर रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यूज़र DB। और ये क्या यूज़ कर रही है, ये डाटाबेस फाइल को यूज़ कर रही है। ठीक है, जो स्पेसिफाइड की गई है यूज़र DB आर्गुमेंट में, ये इसका कमांड का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जो हमारी हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट स्पेस FTP हाइफन ब्रूट यूज़ हो रही है, ये स्पेसिफाई कर रही है कि NSC स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो हमारे केस में जो हो रहा है, FTP ब्रूट जो है ना, वो डिज़ाइन की गई है फॉर FTP ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आप जो देख रहे होगे, आर्गुमेंट हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट हाइफन ARGS स्पेस यूज़र DB इक्वल्स टू स्लैश रूट स्लैश यूज़र्स, ये स्पेसिफाई कर रही है यूज़र डाटाबेस फाइल को टू यूज़ फॉर द ब्रूट फोर्स अटैक। और जो यूज़र DB आर्गुमेंट है ना, ये पॉइंट कर रहा है स्लैश यूज़र स्लैश रूट स्लैश यूज़र्स को, जिसके विच शुड कंटेन अ लिस्ट ऑफ यूजर नेम। ठीक है, ये इसका एक डेफिनेशन है, हिंदी में भी बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी बता दिया आपको। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था, सिस एडमिन का हमें पासवर्ड फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ nmap स्क्रिप्ट, तो वो हमने nmap स्क्रिप्ट की हेल्प से, nmap की जो स्क्रिप्ट हमने यूज़ की FTP हाइफन ब्रूट करके, उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर दे वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड सेवन फ्लैग हिडन ऑन द सर्वर। अब हमें सेवन फ्लैग फाइंड आउट करने हैं जो हिडन है हमारे सर्वर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा FTP सर्वर पे हर एक यूज़र के, और रिट्रीव करना पड़ेगा फ्लैग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना FTP, जो हमारा पेस्ट करता हूँ IP 3, एंटर कर दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, नेम TP कनेक्टेड टू, ये नेम आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आएगा सिस एडमिन नेम, सिस एडमिन ही आएगा शायद। ओके, पासवर्ड क्या है इसका, 654 था, 321 321। ओके, आ गए यहाँ पर। अब कैसे करेंगे, ls करता हूँ मैं, तो ls में हमें secret.txt करके कुछ दिख रहा है, तो FTP में हम क्या करते हैं, गेट secret.txt। अब यहाँ पर से मैं एग्जिट करता हूँ, गुड बाय हो गया, कैट करता हूँ secret.txt को, पहला फ्लैग तो हमारा फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट फ्लैग हमारा आ गया ये,
सेकंड यूज़र कौन सा है? पहला तो था लॉगिन, रूटी यूज़र है शायद। ठीक है, इसके लिए करते हैं फिर। अब रूटी का पासवर्ड है क्वाट्री, QUERTY। रूटी का पासवर्ड है क्वाट्री, ठीक है। क्लियर कर देते हैं इसे, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी FTP स्पेस, पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया रूटी क्वाट्री, लॉगिन ls secret.txt, गेट कर देते हैं इसको secret.txt, एंटर, एग्जिट। अब इसका भी तो secret.txt दो तो नहीं हुए ना, गेट करते हैं secret.txt। कॉपी करता हूँ इसको, सेकंड फ्लैग हो गया है, डिफरेंट है देखिए पहले से, वो रिप्लेस कर दे रहा होगा फाइल। थर्ड फ्लैग कौन सा है हमारा? यूज़र डेमो, डेमो का पासवर्ड है बटरफ्लाई। ओके, इसको क्लियर करता हूँ मैं। FTP, सॉरी FTP स्पेस हमारा जो IP है, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करता हूँ, एंटर कर दिया। डेमो बटरफ्लाई ls गेट secret.txt, एग्जिट गेट secret.txt, ये थर्ड वाला आ गया हमारा। कॉपी, थर्ड ना फोर्थ वन, ऑडिटर पासवर्ड है इसका चॉकलेट, ऑडिटर। क्लियर, FTP स्पेस कॉपी पेस्ट, थ्री ऑडिटर है यूजर नेम, पासवर्ड क्या था? चॉकलेट। ओके, ls गेट secret.txt, नाउ एग्जिट गेट secret.txt, दिस इज आवर फोर्थ पासवर्ड। कॉपी, सॉरी फ्लैग, नाउ फिफ्थ वन, एनन, ANON पर्पल, एनन। क्लियर, FTP स्पेस कॉपी, एनन पर्पल इज द पासवर्ड, ls गेट secret.txt से एग्जिट गेट secret.txt, नाउ दिस द फिफ्थ फ्लैग, कॉपी सिक्स्थ वाला क्या है हमारा? एडमिनिस्ट्रेटर ट्वीटी। क्लियर, TP कॉपी करेंगे इसे, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटर ट्वीटी ls गेट secret.txt, एग्जिट गेट, दिस इज योर सिक्स्थ
फ्लैग, नाउ वन मोर द लास्ट वन, दैट इज यूजर नेम क्या है इसका, DIAG टिगर, DIAG, ओके क्लियर, FTP कॉपी पेस्ट, 3 DIAG ट्रिगर इज द पासवर्ड, LS गेट सीक्रेट डॉट txt एग्जिट, ये हमारे 7 के 7 फ्लैग हमें फाइंड आउट हो गए, कॉपी के हमारा 7th था। तो 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास, चारों कंप्लीट हुए हमारे। तो इसमें हमने देखा कि कैसे हम रिकॉन परफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी FTP सर्वर से। तो इसमें हमने FTP सर्वर को एज एग्जांपल लिया और कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, उसके हमने आंसर्स फाइंड आउट किए डिफरेंट डिफरेंट वे से। इसमें हमने NMAP का भी यूज़ किया, हाइड्रा का भी यूज़ किया, ठीक है, FTP के थ्रू हमने लॉगिन किया, यूजर्स से उसका हमने फ्लैग फाइंड आउट किया। तो अलग अलग तरीके से हमने जो रिकॉन एक्टिविटी है वो परफॉर्म की, इंफॉर्मेशन गैदर की हमने अपने टारगेट से। तो यही चीज़ आती है हमारे फेज 1 में, जो साइबर किल चेन का फेज 1 है, रिकनेंस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।